नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। गाड़ी ने टोल प्लाजा कर्मचारी सहित दो को रौंदा, मौके से हुआ फरार। हिमाचल के ऊना जिले में गाड़ी ने टोल कर्मचारी सहित दो लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हादसा दौलतपुर चौक के मारवाड़ी में हुआ। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। सुजानपुर में रंगड़ों के हमले से मां बेटी की मौत, पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत बजरोल के धुंधला गांव में रंगड़ों के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई। मां और बेटी घास लाने के लिए गई थी, इसी दौरान रंगड़ों ने हमला कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पंचायत प्रधान लता कुमारी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के गांव धुंधला में बुधवार शाम विद्या देवी, पत्नी मदन लाल और बेटी अंजना कुमारी घास काटने के लिए घर से निकली। घास काटते समय रंगड़ों ने दोनों पर हमला कर दिया। 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की लगेंगी नियमित कक्षाएं, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में 11 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रोजाना कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। अभी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसमें हफ्ते के पहले दिन 10वीं और 12वीं की कक्षाएं और अगले 3 दिन नॉन बोर्ड 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाई जा रही थी। उधर स्कूल में नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियों के बीच निदेशालय ने कोविड ड्यूटी में नियुक्त शिक्षकों को रिलीव करने की मांग की है। शिक्षा विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नंबर होना जरूरी कर दिया गया। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से संबंध में राजपत्र में योजनावार अधिसूचनाएं जारी की गईं। अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया कि पात्र विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ा जाना जरूरी होगा। किसी भी योजना के तहत धनराशि नकद नहीं दी जाएगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।